हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पांच यहाँ पे न्यू अपडेट आई हैं, इसी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। पहली जो अपडेट आई है, यहाँ पे डीजी पे लाइट जो वर्सन है इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। अब यहाँ पे डीजी पे के अपेक्षा यहाँ पे डीजी पे लाइट की जो है यहाँ पे सर्विसेज जो है यहाँ पे जारी कर दी गई है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में, जहाँ पे आपको एडवांस फीचर्स आपको मिलती हैं डीजी पे के अपेक्षा डीजी पे लाइट वर्सन्स में। वो क्या क्या एडवांस फीचर्स हैं पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के तरफ से डीजी पे लाइट वर्सन्स का उपयोग करके आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 10% की जो है एडिशनल इंसेंटिव आपको डीजीपी लाइट में मिलेगा। ये ऑफर चल रही है 21 दिसंबर 2022 से 26 जनवरी 2023 तक, ये ऑफर चल रही है। तो आप लोग इस ऑफर का जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे डीजीपी लाइट वर्सन्स की जो है यहाँ पे जो है लाइव यहाँ पे जो है इसकी वर्सन्स को कर दी गई है, जिसको आप इस्तेमाल करके 10% तक का एडिशनल इंसेंटिव यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका डिटेल थोड़ा सा आपको बता देते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। तो इसका मेन वेबसाइट जो है जहां से आप इसको रिसेट करके इसको ले सकते हैं, देखिए agent.pacsc.in पे आपको जाना है। इसका मेन साइट है agent.pacsc.in, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के जो है इसको लॉग इन कर सकते हैं। आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मालूम है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ यूजर नेम में अपने सीएससी जो आईडी है उसके पहले आपको 01 लगाना है और सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी करते हैं तो यहाँ पे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में उस पर एक ओटीपी जाता है। वहां पे जो है ओटीपी आप डालने के बाद जो है आपको जो है पासवर्ड जो है आपको मिल जाती है, उसको पासवर्ड को आप इस्तेमाल करके फिर लॉगिन आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सीएससी आईडी के पहले यूजर नेम में 01 लगाना है और उसके बाद पूरी सीएससी आईडी यहाँ पे इंटर करके जो है आप फिर यूजर नेम पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर लेंगे। देखिए मेरा यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है, जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं अपना सीएससी आईडी के पहले 01 लगा रहे हैं तो यहाँ पे मेरा ओटीपी जो है जनरेट नहीं हो रहा है, एरर दिखा दे रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग हमें सजेस्ट करें और इसकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम डिटेल्स में अगर मालूम है तो हमें भी जरूर बताएं, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो है पासवर्ड या जो है यहाँ पे रिसेट नहीं हो पा रहा है। ऐसे हम जो है जोनल जो हेड है उनसे बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है उनसे बात करें, अभी बात नहीं कर पाया है। अगर आपका पास अगर कोई सोल्यूशन है तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। तो दूसरी अपडेट जो है यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही आया है कि देखिए अभी तक आप जो है आईटीआर रिटर्न जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। देखिए अगर आप सीएससी वीएलई बंद हुए हैं तो भी आप भी जो है सीएससी जो है यहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न भर लें, क्योंकि जो भी आप ट्रांजेक्शन सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से करते हैं उसमें आपका टैक्स जो है आपका टीडीएस कटता है। अगर आप फाइलिंग करते हैं तो आपका जो भी टीडीएस जो कटते हैं वो आपको रिफंड कर दी जाती हैं। तो आप जो है आईटीआर फाइल जरूर से जरूर करें। तो इसके जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर 2022 रखी गई है और सेशन जो है 21-22 के लिए जो है आप इनकम टैक्स रिटर्न 30 दिसंबर 2022 तक आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो है यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स आपको दी गई हैं कि आप जल्द से जल्द जो है आईटीआर जो है फाइलिंग कर लें और जो भी आपका टीडीएस कटा है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये अच्छी पहल है, जो आप लोग जो है आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भर लें और उसकी जो लास्ट डेट यहाँ पे जो जारी की गई है 30 दिसंबर 2022 तक है। चलिए बात करते हैं तीसरी अपडेट की। तीसरी अपडेट आई है पीएमजी डिशा के तहत, यहाँ पे क्रिटेरिया रखी गई है सेंटर अगर एक्टिव है एटलीस्ट 3 मंथ से तो मिनिमम जो है 50 ट्रांजेक्शन आपको करना है अगर आप पीएमजी डिशा की सर्विसेज लेना चाहते हैं। और जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर दी गई है उसके अनुसार जो है गाइडलाइंस आपको पूरी करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है कि क्रिटेरिया फॉर पीएमजी डिशा वीएलई के लिए यहाँ पे सेंटर जो है एक्टिव होना चाहिए एटलीस्ट पास्ट 3 मंथ से जो आपका जो है एक्टिव होना चाहिए अकाउंट और मिनिमम 50 ट्रांजेक्शन जो है आप कर चुके होंगे डीएसपी डीपी पे और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एज पर स्कीम गाइडलाइंस के तहत आपकी है तो जो है आपका जो है यहाँ पे पीएमजी डिशा के लिए जो है यहाँ पे आपका अप्रूवल मिल जाएंगी। तो ये क्रिटेरिया यहाँ पे जो है जारी की गई है पीएमजी डिशा के तहत। चलिए चौथी अपडेट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आधार में UIDKI के तहत यहाँ पे जूनियर ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट आई है हेडक्वार्टर दिल्ली के लिए UIDAI
हेडक्वार्टर दिल्ली के लिए यहाँ पे जूनियर ग्राफिक डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट आई है। चलिए इसके बारे में एक नज़र यहाँ पे डाल लेते हैं। देखिए इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया गया है स्कैन स्कैन टू अप्लाई, ये जो बार कोड दी गई है इसको आपको स्कैन करना है, इसका स्क्रीन शॉट लेकर जो इसको रख के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लें इसके लिए आपको डिग्री जो चाहिए, यहाँ पे डिग्री जो है बैचलर डिग्री जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के तहत होनी चाहिए या एनी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए। ही सी विल बी रेस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्सिबल इन डिजाइनिंग टॉप नोट ग्राफिक कंटेंट फॉर डिफरेंट सोशल मीडिया। तो डिफरेंट सोशल मीडिया के लिए आपको डिजाइनिंग करना है, टॉप नोट ग्राफिक कंटेंट जो है आपको यहाँ पे बनानी है। उसके लिए आपको जो लोकेशन दिया गया है आपको UIDAI ऑफिस दिल्ली में काम करने होंगे और आपकी एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन आपको 5 ईयर का करना होगा। अप्लाई करने के लिए सिंपली बार कोड को स्कैन करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पांचवी अपडेट की बात करते हैं। जी के यहाँ पे पांचवी जो अपडेट है वो CSE डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही आई है। यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। अगर आप स्पर्श CCTV कैमरे की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 20% की जो है प्रॉफिट आपको स्टार्ट अर्निंग यहाँ पे मिलेंगे। डिटेल्स जानकारी के लिए जो है अगर आप स्पर्श CCTV कैमरे की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे राजेश सर का ईमेल आईडी दिया गया है और मोनिका मैम की जो है यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है, जिसपे आप जो है कोई भी क्यूरी क्वेश्चन है अगर आप लेना चाहते हैं तो इनसे आप डायरेक्टली जो है मेल करके वो ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ के यहाँ पे बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे स्पर्श CCTV केबल के लिए डीलरशिप मिलेगी। अब केवल 30 लाइसेंस हैं, जल्दी करें। देखिए यहाँ पे रिमेनिंग आप सिर्फ 30 यहाँ पे जो है लाइसेंस बचे हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो है ले सकते हैं। 30 लाइसेंस अभी रिमेनिंग बच रहे हैं, 30 लाइसेंस के बाद जो है यहाँ पे जो है डीलरशिप मिलना आपको बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आप डीलरशिप इसके बन सकते हैं, 20% की प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके लिए लास्ट डेट जो है बुकिंग का 1 जनवरी 2023 रखी गई है और आपको डीलरशिप जो है अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 99,999 में ले सकते हैं, डीलरशिप आपको 2,99,000 में भी मिलेंगे। तो दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आप चाहे तो 99,999 में ले सकते हैं या 2,99,000 में ले सकते हैं। ईमेल आईडी जो है राजेश सर अमोनिका सर मैम की यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दी गई है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके भी जो है पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मस्ट जो है 5 इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमने इस वीडियो में कवर की है। आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी क्यूरी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की जो है नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बातचीत।